गाइस ये है पूडल और उसके साथ एक और सबसे महंगी ब्रांड। गाइस ये वीआईपी एरिया जजेस साहब हैं और आज हमारे साथ हैं सर। सत श्री अकाल। नमस्कार सर। कहाँ से सर? यूपी से सर। यूपी से, वो तो मैं सर का पहनावा देख रही हूँ जी। हाँ सर, पहले अपना नाम बताइए। रमन त्यागी मेरा नाम है। त्यागी। और हमारा चैनल है रविजोन फार्मिंग लीडर। Okay. और आपके चैनल को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। डॉग में अगर बात करें, भोला शोला को कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो पूरे इंडिया में, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आपसे पहली बार मीट करके। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਠਾਕ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਬਤਾਈਏ ਅੱਜ ਕੌਣ ਸੀ ਬਰੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪ? ਸਰ ਮਾਲਟੀਜ਼। ਮਾਲਟੀਜ਼ ਗਾਇ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਤਾਈਏ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਏਜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਜੀਤਾ ਹੈ ਇਸਨੇ? ਸਰ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ 2 ਇਅਰ ਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਫਸਟ ਬੀਓਵੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸੀਸੀ। ਓਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਲਗਾ ਸਰ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सिंह साहब अभी थोड़ा अपना नाम और कैनल का नाम बताइए। सर मेरा नाम है मिस्टर मनजीत सिंह और कैनल का नवी हांडा कैनल फ्रॉम चीका। फ्रॉम चीका जी, हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कैथल सर। कैथल। सिंह साहब बताइए इस ब्रीड के अलावा आपके पास और कौन सी ब्रीड होती है? सर मेरे पास नंबर एक माल्टेस, नंबर दो स्माउजर, नंबर तीन पूडल और नंबर चार बिशोन फ्राइस। और ये आप इन हाउस आप ब्रीडिंग करते हो खुद अपने घर की? जी जी। तो गाइस अगर आप थोड़ी सी महंगी ब्रीड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहते हो, थोड़ी सी सोशलाइज कह लो कि पॉज लाइफ में, तो सर के साथ कांटेक्ट जरूर कीजिए। कुछ आइडिया सिंह साहब दे सकते हो कि आजकल इस ब्रीड का जो प्राइस है, अगर मैं आज ही की ब्रीड की बात करूँ तो क्या चल रहा है सर? सर इम्पोर्ट ब्रीड का अलग अलग प्राइस है और जो नॉर्मल ब्रीड है उसका अलग प्राइस है, दोनों का अलग प्राइस है। अगर आप माल्टीज की बात करें तो क्या फॉर क्या एक एग्जांपल दोगे आप? सर जो होम ब्रीडिंग की है वो 60,000 से स्टार्ट है, जो इम्पोर्ट ब्लड लाइन है डायरेक्ट वो सर 1,00,000 से प्लस है। गाइस अगर आपको रियल में सोना लेना है तो उस हिसाब से भी थोड़ी एक्स्ट्रा मनी, लेकिन इस तरह का चैंपियन आपको मिल जाएगा। एक बार सर वन मोर टाइम आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप। एंड गाइस प्लीज कांटेक्ट कीजिए, ये इनका नंबर है, आपको हर तरह की सुविधा देंगी, नॉलेज और हर रख रखाव में हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी, सिंह साहब के साथ खड़े हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए गाइस शो में जाने, रिंग में जाने से पहले कितनी मेहनत, इट्स नॉट इजी थिंग। आपको इस तरह की ट्रॉफी दिखेगी बहुत, लेकिन उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क। लुक इट, ये सोना वैसे ही नहीं मिलता गाइस, वेरी हार्ड वर्क टू डू। बाकी में बहुत हार्ड वर्क है, शो में सबसे पहले आना पड़ता है? सबसे पहले आए सर, सुबह 8 बजे आ गए थे। ओके। और तभी से 8 बजे से कंटिन्यूअसली यही काम चल रहा है। मैं कुछ गोल्ड देख रहा हूँ उधर पड़ा हुआ। हाँ जी, तो एक रिंग हो गई सर। हाँ जी एक रिंग हो गई। तो अभी नेक्स्ट कॉल बस वेटिंग है सर। तो गाइस ये देखिए, ये आप है ना एक दिन में कितने ही गोल्ड ले सकते हो, डिपेंड आपका हार्ड वर्क और रख रखाव और एंड ऑफ द डे। सर ये ब्रीड थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में बताइए,
फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए कितना टफ है इसको संभालना? सर कोई टफ नहीं है, सिज्जू को संभालना टफ नहीं है, सिर्फ ग्रूमिंग में थोड़ा सा अगर कोई थोड़ी सी मेहनत करता है तो बस हो जाता है, डिपेंड करता है ऑनर पे मेहनत करते हैं या नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ना लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि ये कह देते हैं कि यार ये ब्रीड तो लड़कियों की है, लड़कियां संभाल सकती हैं, लड़के संभाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है, सच्चाई है इसमें? ऐसा नहीं है सर। ओके, कोई भी रख सकता है इजीली। तो आपके आपके कैनल का कोई नाम, कोई फार्म का नाम? सर दीवान लैंड कैनल है जी, दिल्ली में। दिल्ली में आपके पास शिरजू के अलावा और कौन कौन सी ब्रीड होती है? सिज्जू ही है सर मेरे पास, सिर्फ शिरजू, सिर्फ सिज्जू ही है। तो जो अभी लोग शिरजू में लेने में इंटरेस्ट है तो कुछ आइडिया बता पाओगे कि आपके पास इस तरह की चैंपियंस? सर मेरे पास जो है 2020 और 21 का बेस्ट सिज्जू है इंडिया का, थ्री कंट्री चैंपियन है, और ऑलरेडी 2014 से मैं शो कर रहा हूँ सिज्जूस को, और तकरीबन मेरे पास 7 इम्पोर्ट है और ऑलमोस्ट सारे ही चैंपियन है, मल्टीपल लाइन ऑफ विनर्स हैं, फीमेल्स भी और मेल्स भी। सर कुछ आइडिया दे पाओगे कि आपके पास स्टार्टिंग प्राइस कितने में होता है? सर डिपेंड करता है कस्टमर की नीड पे, अगर पेट क्वालिटी चाहिए उनको, जैसे कि जब सभी हर कस्टमर का एक ही क्वेश्चन होता है पेट क्वालिटी पपी चाहिए। बिल्कुल। अब पेट क्वालिटी का सर कोई डेफिनेशन तो है नहीं, अभी मेरे पास सारे चैंपियन के हैं, चैंपियन डॉग्स हैं, फीमेल्स भी चैंपियन है, तो उसका डेफिनेशन मैं कैसे दे सकता हूँ पेट क्वालिटी? पेट क्वालिटी नहीं होता, आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए। अब ये बोलो मुझे अच्छा चाहिए तो मैं कुछ आपको बोल सकता हूँ, अभी मैं उसके लिए बोलो, आप मुझे बोलोगे कई लोगों के कॉल्स आते हैं हमें घर में रखना है जी, क्योंकि चैंपियन डॉग घर में ही रखेंगे क्या? वो कौन सा बाहर रहेगा, वो भी तो घर में ही रहेगा, उतना ही उस पर एक्सपेंस होगा, उतना ही समय आपसे वो लेगा, बस फर्क इतना है। फिर भी मिनिमम या मैक्सिमम कुछ आइडिया दे सकते हो आप? सर मैं मिनिमम पपी दे दूंगा 35 से स्टार्ट है मेरे पास, अगर आप प्योर मदर साइड भी इम्पोर्ट और मदर साइड भी चैंपियन चाहिए आपको तो वो सर प्लस जाएगा 50+। ठीक है जी। मेरे पास ब्लैक कलर के भी ऑप्शन है, ब्लैक जेड ब्लैक भी है मेरे पास। अपने कैनल का कोई कांटेक्ट नंबर या आपका नाम? मेरा सर 8826199706। तो गाइस पेट क्वालिटी में मत जाइए, थोड़ा सा उससे ऊपर इस तरह की वाव क्वालिटी में जाइए, थोड़ा बहुत पैसा अलग लगे क्योंकि 10-12 साल वो डॉग आपके साथ रहना है तो वो दिखना वाव चाहिए कुछ ज्यादा, जैसे सर कह रहे हैं कोई एफर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ ग्रूमिंग या कॉमिंग तो यार नॉर्मल बनता है, अपना भी तो करते ही हम लोग। हाँ बस कोई अपना भी तो करते ही है। बाकी सर आपको पूरी नॉलेज देंगे, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनका कि रख रखाव में क्या है, क्या देना क्या नहीं देना। गाइस तो प्लीज कांटेक्ट, अगर आप शिरजू लवर हो तो प्लीज। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। गाइस ये है पूडल और उसके साथ एक और सबसे महंगी ब्रीड। गाइस आज आपको बताते हैं इस ब्रीड के बारे में और ये गोल्ड जीता इसने, तो सिंह साहब से बातें करते हैं। सिंह साहब क्या नाम है आपका? गगनदीप सिंह चीमा जी। कहाँ से चीमा साहब? मैं दराहत हूँ जी। दराहत। क्या जीता आज चीमा साहब? हाँ जी आज क्या जीता? आज जी BOVCC। ओके थोड़ा बताइए इस ब्रीड के बारे में चीमा साहब। ये कैवलियर किंग चार्ल्स ब्रीड है जी। ठीक है जी। ये थाईलैंड से आया है, मेल है। ये मेल भी है हमारे पास, फीमेल भी है, ये बाहर भी चैंपियन हो चुका है थाईलैंड में भी। ओके जी, थोड़ा इस ब्रीड के स्वभाव के बारे में बताइए कि इसका स्वभाव कैसा है? इसका बहुत अच्छा है जी, शांत स्वभाव है। ये देखो बैठा है आपके सामने, कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं है इसका। ठीक है जी। और इस ब्रीड का साम संभाल, बाल ज्यादा लंबे हैं तो गर्मियों में कितनी टेक केयर करने की जरूरत पड़ती है? इसका ज्यादा वो नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। दिक्कत नहीं, साम संभाल में तो ठीक है, ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है बालों की। ठीक है। इंडिया के हिसाब से कोई हेल्थ इश्यूज आता हो? नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया जी मेरे को, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप सिंह साहब इसकी ब्रीडिंग भी करते होंगे? हाँ जी ब्रीडिंग करते। तो अगर किसी ने पप्पी लेना हो इस ब्रीड का तो क्या आप आइडिया दे पाओगे प्राइस क्वालिटी के? वैसे मुझे मालूम क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होता है, तो कितने से लेकर कितने तक मेल या फीमेल का प्राइस इसका? जी हम 1,00,000 से लेके 1,20,000 तक सेल करते हैं। मेल या फीमेल? मेल फीमेल दोनों ही, दोनों का लगभग सेम प्राइस है, एक ही है। और सिंह साहब अगर किसी के पास इसकी फीमेल हो, स्टड सर्विस आप भी प्रोवाइड करवाते हो? हाँ जी हाँ वो भी करवा। उसका क्या चार्ज है सिंह साहब? उसका 50,000 रुपए जी। 50,000 रुपया स्टड सर्विस का। तो सिंह साहब आप अपने एक बार कैनल का नाम बता दीजिए। मेरे कैनल का नाम है जी नानक सर कैनल। ये लोकेशन कहाँ पर है सिंह साहब? दुराहा पड़ता है जी। दुराहा सा। अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर सिंह साहब? 9988570318। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम लूसीफर है जी। लूसीफर। हेलो लूसीफर।
गाइस, ये हम आए हैं एक अलग स्टॉल में, तो यहाँ पर आपको बहुत क्यूट क्यूट इंडिया से एंड थाईलैंड से इंपोर्ट ब्रीड आपके पास है। हाँ जी भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई जी। अपना नाम बताइए। नाम मेरा जस बाबा जी। जस बाबा, हाँ जी। कहाँ से जी? पीखी मानसा, पंजाब। आपके पास किस किस ब्रीड की में ब्रीडिंग करते हो? हम भाई एक तो लैब्राडोर, दूसरा टॉय पॉम जी। जी, अगर आपके हाथ में ये स्टार्ट करें, ये टॉय पॉम है राइट? हाँ जी। ये आपने अभी मेरे को बताया थाईलैंड से इंपोर्ट है। हाँ जी, हाँ जी, थाईलैंड। तो इसकी अभी स्टड सर्विस चल रही है जहाँ इसके बच्चे अवेलेबल हैं आपके पास? अभी इसकी स्टड सर्विस अवेलेबल है जी। उसमें क्या चार्ज करते हो सर आप? इसका भाई 25,000 रुपया। 25,000 जी। और दूसरा आपने बताया था, अभी जो बात कर रहे थे, ये जो आपके पास है ये आपके होम ब्रीडिंग है? जी जी। ठीक है, तो इसका आप क्या चार्ज कर रहे हो सर? इसका जी 15,000। 15,000 रुपये जी। बाकी और बताइए कि आपके पास लेब्रे या इसके अलावा और कुछ नहीं? इसके अलावा बाकी घर है, डॉग्स। हाँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 3 डॉग घर में। फार्म में कौन कौन से हैं? घर में फीमेल्स हैं, एक दो मेल और हैं। टॉय के मेल है एक दो, एक ब्लैक कलर का मेल है लैब्राडोर का। ठीक है, अच्छी ब्लड लाइन के बच्चे हैं जी सभी। तो आपका कैनल का नाम या कोई फार्म का नाम? पीबी कत्ती डॉग लवर्स। पीबी कत्ती डॉग लवर्स जी। तो अगर लेब्रे के बच्चे आपके पास अवेलेबल, इस तरह की बॉक्स फेस, एप्पल फेस, क्या प्राइस है आपके पास में? इसका भाई 15-20 के राउंड बच्चा जाता है, 15,000 to 20,000 दे बेच। मेल? हाँ जी। और फीमेल? तो फीमेल 13-17-15-17 तक जी। ठीक है जी जी। थोड़ा इस ब्रीड के बारे में बताइए, आपने कब इंपोर्ट कराया और इसका क्या अभी एज क्या है? यह बेरे मैं मनदीप सिंह आलू वालिया जी तो लेकर आया हैं बच्चा लुधियाने तो, ने जो कि मैं तो यही कहूँगा भी टॉय पॉम दे किंग ने हो। राइट। इंडिया लेवल ते किंग ने, सब तो बेस्ट क्वालिटी उन्होंने को मिलती है, उन्होंने को सिर्फ। एक बार नाम बताइए दोबारा उनका। उन्होंने नाम मनदीप सिंह आलूवालिया जी। मनदीप सिंह आलूवालिया किंग इन टॉय पॉम ब्रीड्स, माय फ्रेंड इन ऑल ओवर इंडिया जी कहते हैं, ये बच्चा उनसे लेकर आए हैं। जी जी, उनसे लेकर आए हैं जी, उन्होंने बच्चा ये प्रॉपर्टी फॉर्म वालों से लिया है। ठीक, प्रॉपर्टी थाईलैंड से। थाईलैंड से जी। सर, इसके बच्चे का प्राइस अगर आपके पास क्या चल रहा है? इसके बच्चे का प्राइस सर नियर अबाउट, वो डिपेंड करता है इस मदर साइड से, मदर साइड कैसी लगती है, नियर अबाउट 60-70,000 का सेल करते हैं हम। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। 9302500004। गाइस, इस तरह की इंपोर्ट लाइन का बच्चा थाईलैंड से इंपोर्ट या फिर हो, ये दोनों ही आपके पास अवेलेबल हैं, और इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। लैब्राडोर, इस तरह की बॉक्स फेस, एप्पल फेस भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, तो गाइस ये वीआईपी एरिया जज साहब हैं और आज हमारे साथ हैं सर। सत श्री अकाल। नमस्कार सर। कहाँ से सर? यूपी से सर। यूपी से, वो तो मैं सर का पहनावा देख कर ही बोल गया जी। हाँ सर, पहले अपना नाम बताइए। रमन त्यागी मेरा नाम है। त्यागी। और हमारा चैनल है रविजन फार्मिंग लीडर। ओके। और आपके चैनल को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। डॉग में अगर बात करें, भोला शोला को कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो पूरे इंडिया में, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आपसे पहली बार मीट करके। थैंक यू। और पहले मेरे पंजाब के बारे में बताइए, पंजाब कैसा लगा? पंजाब बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक तो सबसे चीज अच्छी बात ये है कि टेक्नोलॉजी और जो एडवांस हैं लोग यहाँ पर हर चीज को लेके, चाहे वो डॉग से रिलेटेड हो, फार्मिंग से रिलेटेड हो, हॉर्स से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज अगर हम देखें तो एडवांस है। एडवांस। और दूसरा क्या है कि लोग एकदम किसी भी काम को कर रहे हैं तो जुनून के साथ, ये नहीं ऐसे ही चल रहा। मैं दिल्ली बॉर्डर पर काफी रहा और बिलीव करना, मैं जितने बंदों से मिला मेरे को एक, और मेरे को नहीं लगा कि कोई फर्क है, लेकिन हाँ जहाँ पर तो लोग NRIs हैं, लोग बाहर चले गए, वो बात अलग है। बाकी यार और बताइए, आपका कामकार या कैनल या क्या करते हो आजकल? इसके अलावा मेन चीज क्या है कि हम बेसिक जो है खानदानी फार्मर है, दादे परदादे से अपने फार्मिंग होती आ रही है, ट्रेडिशनल खेती होती थी पहले, अब थोड़ा अलग से हटके किया है, बागवानी के क्षेत्र में उतरे हैं। ठीक है। आम, आड़ू, नाशपाती, हमारा लीची, ये सब हमारे बाग हैं, और आपकी तरह हम भी यूट्यूबर हैं, रवि फार्मिंग लीडर। ठीक है।
के नाम से हमारा चैनल है। बाकी वैसे तो हमारे 5 चैनल हैं, लेकिन मेन चैनल जो है वो फार्मिंग का चैनल है। तो उसमें फार्मिंग के रिलेटेड हर एक वीडियो, हर एक कमेंट फार्मिंग के रिलेटेड हम वीडियो सभी डालते हैं। और अगर किसी किसान के पास कोई डॉग अच्छे हैं तो उन्हें भी लोगों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि किसान साथ में 2-4 डॉग रख के एक अपनी एडिशनल इनकम के लिए कुछ इससे कर सकते हैं, क्योंकि क्रेज है आज के टाइम में। और यहाँ आने का कारण भी इस डॉग शो में भी यही था कि यहाँ से कुछ देखें, कुछ समझें कि पंजाब के किसान जो है डॉग पर किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो कितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। और आपके जो 5 चैनल बताए उनके 5 नाम बताइए एक बार, अभी तो शेयर क्वाइट है। रविजन सर, जो बाकी के हमारे चैनल्स हैं वो रविजन प्रोडक्शन है, रविजन बिजनेस आइडिया है, रविजन फार्म फ्रेंड है, रविजन फार्मिंग लीडर है, रविजन ब्लॉग्स है। तो इस तरीके से हमारे वो भी हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और मैं एक छोटा सा एक अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज से लगभग 3-4 साल पहले 2019 में मेरे को भी जुनून आया कि मैं भी डॉग खरीदूं, देखूं, पालूं, करूं। तो यूट्यूब पे इतने ज्यादा चैनल्स नहीं थे, तो आपका चैनल था बोला शोला, मैं आपको फॉलो करता गया, देखता गया, नॉलेज मिलती गई। मैंने भी शुरू किया छोटा सा एक चैनल अपने आप में, जर्मन शेफर्ड का। तो अभी पाला हुआ है हमारे पास में लूसी है, उसकी काफी वीडियोस चैनल पे हैं। तो काफी प्रेरणा और काफी नॉलेज मिली आपके चैनल से, जिससे फिर आगे ये पैशन या ये जुनून मेरा चलता जा रहा है। ओके, गुड लक फॉर द फ्यूचर गाइस, इनके चैनल को जो सपोर्ट कीजिए। हर एक अलग अलग प्रकार का खेती के रिलेटेड, डॉग रिलेटेड, साथ में गुड़िया काफी हेल्प करती है, तो जरूर इनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी।